ऑर्डर याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, याद करना है जैसे भी कर लो, ठीक है। प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप कर लेते हैं। हेडिंग डालिए प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप कौन कौन से हैं? प्लस आई ग्रुप में ओ माइनस, आप बोलोगे ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, लेकिन अगर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो तो ये देने की कोशिश करता है इलेक्ट्रॉन को, है ना। सीओ माइनस एल्काइल, तो अगर कहीं पे एल्काइल लगा है, कहीं सीओ माइनस लगा हुआ है और कहीं पे ओ माइनस लगा है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? ओ माइनस का होगा, उसके बाद सीओ माइनस, उसके बाद एल्काइल। अब हम लोग दूसरा ऑर्डर लिखेंगे, एल्काइल अगर दो तीन दिए हुए अलग अलग तो उनमें क्या ऑर्डर होगा। तो कल हमने बात करी थी जैसे कि अगर आपका एल्काइल है 3 डिग्री, एल्काइल किस टाइप का है? 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री एल्काइल का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर 2 डिग्री का होगा, फिर आपका 1 डिग्री का होगा, फिर उसके बाद लास्ट में किसको ले सकते हैं? मिथाइल को। प्लस आई इफेक्ट इनका मतलब सबसे ज्यादा धक्का कौन देगा इलेक्ट्रॉन को, रिपेल कौन करेगा? ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री में मिथाइल सबसे कम। क्लियर है? इसमें भी अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ट्राइटियम ले लें, ड्यूट्रियम ले लें, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आता है, ये सब का वहां से उसके बाद से ये एरो है। हाँ, एक लाइन में है। CH3 के बाद टी, टी के बाद ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम के बाद कौन सा आएगा आपका? एच। क्लियर है बात? क्लियर है? प्लस आई ग्रुप की छोटी सी डेफिनेशन लिख लो कि प्लस आई ग्रुप होते क्या है, छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। प्लस आई ग्रुप्स रिक्वायर्स दैट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स विच कैरी अ नेगेटिव चार्ज विच कैरी अ नेगेटिव चार्ज और डाइपोल विद नेगेटिव एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स रिएक्शन सेंटर। जहां पे रिएक्शन होगा, जिस पॉइंट पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन सेंटर। इसके बाद हेडिंग डालिए माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप इसमें पहले ऑर्डर लिख लिया जाए, है ना। माइनस आई में सबसे पहले लिखिए NF3, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन सा दिखा था? NF3, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर NH3, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर CF3, CF3 के बाद है NO2 ग्रुप।
NO2 ऐसे सीधे भी लिखा हुआ उस मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है आपको। फिर CN साइनाइड, ऑर्डर लिखते जा रहे हैं, बोर्ड खत्म हो गया है तो इधर से SO3H, फिर है COCl, CHO, CHO पहचानते हैं एल्डिहाइड, COCl एसिड क्लोराइड, एसिड से बना हुआ ग्रुप है। फिर COR, फिर आ गया F, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, सब सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, है ना? अगर सिंगल बॉन्ड कहीं लगाना फ्लोरो में जैसे नहीं लगा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, फिर OH, OH तो जानते ही अल्कोहलिक ग्रुप, OH, आफ्टर दैट एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन, फिर उसके बाद आ जाएगा फिनाइल, फिनाइल, उसके बाद लास्ट में सबसे कौन आएगा, हाइड्रोजन। है ना? ये इनके क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई में देखो क्या क्या ऑर्डर है, NF3, NH3, CF3। पहले याद रखो तीन तीन वाले हैं, जिसमें स्टार्ट हुआ है NF3 से, NF3, फिर NH3 प्लस, फिर उसके बाद CF3, फिर NO2, आफ्टर दैट CN, फिर SO3H, COCl, CHO, COR, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयडो, फिर एल्कोहल, आफ्टर दैट एल्कीन, आफ्टर दैट फिनाइल। बेंजीन रिंग अगर कहीं पे लगी है तो कैसा इफेक्ट करेगी, माइनस आई, लेकिन बहुत ही लास्ट में है हाइड्रोजन, सबसे लास्ट। ये याद होना बहुत जरूरी है, प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर। डेफिनेशन लिख लो माइनस आई ग्रुप का, माइनस आई ग्रुप की डेफिनेशन लिख लीजिए, विद एक्सेप्शन ऑफ मेटल एटम्स, विद एक्सेप्शन ऑफ मेटल एटम्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विद एक्सेप्शन मेटल एटम ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मोस्ट हेट्रो एटम्स, हेट्रो एटम्स होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब, मोस्ट हेट्रो एटम्स फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन, एंड विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन देयरफॉर दे हैव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट, देयरफॉर दे हैव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? देखो कोई भी हेट्रो एटम आपको ऐसा दिखाई दे, जैसे नाइट्रोजन दिख रहा है, जैसे आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, जैसे सल्फर दिखेगा, यही हेट्रो एटम दिखेंगे। हेट्रो एटम का मतलब कार्बन के अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होगा ही होगा,
है ना, बेसिक है ऑर्गेनिक का, बेसिक क्या है, कार्बन हाइड्रोजन। उसके अलावा हेटरो एटम में ज्यादातर ऑक्सीजन दिखेगा, नाइट्रोजन दिखेगा, सल्फर दिखेगा, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब देख सकते हैं। तो अगर आप कार्बन के कंपैरिजन में देखते हो तो कार्बन अपना 14 ग्रुप में आता है, ध्यान से समझो, कार्बन किस ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में। अगर नाइट्रोजन की बात करो तो किस ग्रुप में आ रहा है, 15। ऑक्सीजन की बात करो तो 16। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की बात करो तो 17। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ रही है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप बात करो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के रिस्पेक्ट में इनको देखोगे, जैसे कार्बन के साथ NO2 लगा हुआ है कंपाउंड में, कार्बन के साथ अगर कहीं फ्लोरीन लगा है, कार्बन के साथ अगर कहीं क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से भी कम है, फ्लोरीन से भी कम है, क्लोरीन से भी कम है, तो ये जो ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच ही रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर किसी ग्रुप में हेटरो एटम लगा हुआ है कार्बन चेन से, तो वो मोस्टली क्या होगा, माइनस आई ग्रुप की तरह ही काम करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। क्लियर है बात? और बाकी ऑर्डर आप इससे याद रखिए। हाँ, अब इसका क्या काम आएगा ये बात करते हैं थोड़ी से। हाँ, हाइड्रोजन तो लास्ट प्रायोरिटी में, दोनों में लास्ट में, ना इधर का है ना इधर का है। बीच का नहीं है, मतलब इसका ना तो प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है और ना ही माइनस आई इफेक्ट, है ना, सबसे लास्ट में ही आता है। फास्फोरस की कार्बन से कम होती है, फास्फोरस बहुत कम आएगा अपने केसेस जो हम देखेंगे ना ऑर्गेनिक में, बहुत कम आएगा। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, दो तीन हम लोग बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। नहीं, ये तो एक्सप्लेन करवाया कि क्या चीज क्यों ऐसा हो रहा है। दो तीन बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस, बहुत सारी जगह यूज होगा, दो चार तो बात ही कर ले साथ साथ में, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हेडिंग डाल लो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एग्जाम्पल के पहले ही हेडिंग डाल लो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव। पहला है जैसे प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ाओगे, अभी इस लाइन में मैं इंक्रीजेस लिख रही हूँ, बाद में मैं ऐसे लिखूंगी, प्लस आई ग्रुप का नंबर अगर बढ़ा रहे हो, है ना, प्लस आई ग्रुप का नंबर अगर किसी उसमें कंपाउंड में बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ता है, ये कल ही हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था, कल ही हम लोगों ने बात करी थी ना, ये कार्बोकेटायन है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। तो हमने क्या बात करी थी, हमने बोला था भाई यहाँ पे अगर देखो तो मिथाइल कितने हैं, तीन है, तो ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तीन प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप है मिथाइल, यहाँ पे एक ही प्लस आई ग्रुप मिथाइल है। तो हमने क्या बात करी थी कि जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। रीजन हमें समझ में आता है क्या, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे कम करेगा, तो कम करेगा तो जो ज्यादा कम करेगा वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा, है ना, ये वाला इफेक्ट हमने कल करा था।
नोट कर लिया। खराब जुकाम हो गया। मौसम ऐसा चल रहा है ना, क्या ही करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम लोग बहुत ही खतरनाक हो भाई। एक बार इस पे पॉजिटिव चार्ज कर दो, एक बार ऊपर वाले पे किया है, एक बार बगल में कर लो। तीन कार्बोकैटायन है, देख पा रहे हैं आप लोग। इसमें कंपेयर करना है ना, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो ध्यान से देखते हैं। पहले वाले कार्बोकैटायन को अगर देखो तो इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर कार्बन जुड़ा है। तीन कार्बन जुड़े हुए इससे, तो ये कैसा कार्बोकैटायन हो गया? 3 डिग्री हो गया टर्शरी। इस कार्बन को अगर देखो पॉजिटिव चार्ज वाले, तो एक इधर और एक इधर, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कैसा हो गया? 2 डिग्री। इस कार्बन को देखो तो एक से ही तो जुड़ा है इधर, डायरेक्टली की बात होती है, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे से जुड़ा है, डायरेक्टली एक से ही जुड़ा है, तो ये कैसा होगा? 1 डिग्री। अब 3 डिग्री में क्या होगा? आपके तीन तरफ से प्लस आई लगेगा, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर कोई समस्या? इजी एकदम। थर्ड पॉइंट लिख लो। माइनस आई ग्रुप का अगर नंबर आप बढ़ाते हो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करेगी? एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हाँ जी, सही समझ रहे हैं आप। एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लो ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, इसके एक एच को हटा करके। दूसरे नंबर पे ये ले लिया है ना, एक सी एल लगा दिया। ये है, नहीं एक सीएल का केस था, दूसरा सीएल भी लगाना है ना। दो सीएल लगा दिए, एक वैलेंसी फ्री रहेगी, या एच लगा दे, एच लगा दे। इससे पॉजिटिव है, अब क्या करें? तीनों पे सीएल लगा दो। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है हमको।
चलो बताओ जरा। डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा कैसे? क्या? अच्छा देखो यहाँ पे क्या लग अटैच है, कार्बन पे प्लस आई ग्रुप, एक प्लस आई लगा हुआ है ना, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? यहाँ पे कार्बन पे क्या है, ये प्लस आई तो था लेकिन इसके साथ कौन सा लग गया, एक माइनस आई ग्रुप लग गया। इस पे क्या हुआ, एक माइनस आई ये और दूसरा माइनस आई ये लग गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तीन तीन आके अटैच हो गए, देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आपका एक तरफ से खींचा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से खींचा जा रहा है ना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन अगर आप कहीं से लेते हो तो उस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन होगी, है ना? चार्ज कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो दो पुल करने वाले ग्रुप लगा दिए तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इस सेंटर पे। यहाँ पे क्या हो गया, तीन तीन लगा दिए तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पे बढ़ रहा है अगर, तो वो स्पीसीज क्या होगी, अनस्टेबल होती जाएगी। यानी स्टेबिलिटी के टर्म्स में अगर देखें हम लोग, तो जिसमें केवल प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दोनों के अपोजिट इफेक्ट है, जिसमें केवल प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से नलीफाई होगा, खत्म होगा और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, है ना? तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद यहाँ एक खींचने वाला ग्रुप लगा दिया तो इसने चार्ज को बढ़ाया तो इसकी स्टेबिलिटी उससे कम। फिर उसके बाद यहाँ पे दो दो लगा दिए तो उससे कम, और यहाँ पे तीन तीन लगा दिए तो नहीं। आर्टिकल वर्टिकल का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एंगल का कोई मतलब नहीं है, है ना? ठीक है, ये डायग्राम में ऐसा दिख रहा है आपको। ये सारे क्या है, sp2 है। ये कार्बन कैसा है, sp2 है। sp2 कार्बन कार्बोकेटायन इज ऑलवेज sp2, और sp2 कार्बन का मतलब होता है उस पर जो तीनों ग्रुप लगे होंगे 120 डिग्री पे लगे होंगे। जैसे इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल 120 पे, इस कार्बन पे अगर देखोगे तो दो हाइड्रोजन और एक ये वाला ग्रुप 120 पे से लगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बीच वाला कौन सा, टेट्राहेड्रल? वो तो अपने आप में टेट्राहेड्रल होगा ना, अगर एक ग्रुप माने कंपोजिट। चलो कौन सा नंबर एग्जांपल था, ये तीसरा चौथा? माइनस आई ग्रुप या प्लस आई ग्रुप, कुछ भी कह लो, आई लिख लो, आई ग्रुप का जो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। यानी कि अगर पास में लगा हुआ है कोई ग्रुप तो
तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करेगा, और अगर दूर लगा दोगे तो कम कॉज करेगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर तुम ये बनाते हो, यहाँ NO2 लगा दो, क्या? हाँ, डिस्टेंस बढ़ेगी तो कम होगा। उल्टा लिख दिया, इन्वर्सली कर दें, थोड़ा सही कर लेना, ऊपर नीचे होगा सब। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दो, NO2 लगा दो, कार्बन पे दे दो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक कार्बन और बढ़ा दे, एक दो तीन। कार्बन और बढ़, एक कार्बन और बढ़ा ले लेफ्ट। पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस बनाना है। अब NO2 यहां पे लगा, अब बताना आपको कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम। हैं? दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? कौन दे रहा आंसर? NO2 कैसा ग्रुप है अपना? NO2 होता है माइनस आई ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डाउन करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव के जस्ट बगल में है, पॉजिटिव के जस्ट बगल में है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम तो इफेक्ट ज्यादा, इफेक्ट ज्यादा तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा, ज्यादा कम करेगा। सही है, इसका जस्ट अपोजिट आएगा आपका कार्बन आयन के केस में। किसके केस में? अगर आप बात करो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप से बढ़ती थी, माइनस आई ग्रुप से कम होती थी। कार्बन आयन के केस में क्या होगा, किससे बढ़ेगी, माइनस आई ग्रुप से बढ़ेगी, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, माइनस आई ग्रुप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, और प्लस आई ग्रुप से क्या होगा, इनवर्सली। सेम उसी तरीके के एग्जाम्पल है, इसलिए लिखवा नहीं रही हूं। प्लस आई ग्रुप से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। CH3 कहाँ गया, CH3 CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन आयन कर रहे हैं ना, CH3 CH2 पे नेगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद CH2
और यहाँ पे डबल बॉन्ड है सी एच पे नेगेटिव चार्ज, और फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेते हैं एच सी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे सी पे नेगेटिव चार्ज। हाँ अब बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी, सेकंड की कम होगी, माइनस वाले की, थर्ड की उससे भी कम होगी, क्या लॉजिक लगा रहे हो? गार्गी एक सेकेंड, गार्गी एक सेकेंड, वेदांत कुछ बोल रहा। आराम से डिस्कस कर लो, आराम से बताओ, और कोई बताना चाहता है ऑनलाइन में गार्गी के अलावा तो बताओ। चलो बताऊं इसको कैसे सोचना है, देखो इसको कैसे सोचना है, ध्यान से देखो, ये कार्बन है, इस कार्बन के सारे बॉन्ड हैं आपके सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, एक माइनस का चार्ज है, तो ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइजेशन से देखना। इस कार्बन को अगर देखो तो डबल बॉन्ड है sp2 हाइब्रिडाइज, इस कार्बन को अगर देखो तो sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है? इनमें अगर परसेंटेज s कैरेक्टर देखें तो परसेंटेज s कैरेक्टर आपका sp3 में s कैरेक्टर कितना होगा, 25%, s कैरेक्टर सबको निकालने आता ही है। sp2 में अगर देखें परसेंटेज s तो कितना आएगा, 33.33, और इसमें कितना आता है, ठीक है? अब इसमें ये लॉजिक लगाते हैं हम लोग कि जो एस ऑर्बिटल होता है जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब उसमें एस वाली चीज ज्यादा है, और जो एस ऑर्बिटल होता है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, ज्यादा पेनिट्रेटिंग होता है। एक हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ा था ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करी थी, तो एस सबसे ज्यादा पास है बोलते थे फिर इस तरीके से। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचे रखेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करके रखेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसको ज्यादा सूट करेगा थर्ड वाले की, इसलिए सबसे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें किससे देखना था, यहाँ पे हमें देखना था परसेंटेज एस कैरेक्टर से। क्लियर है? हाँ उससे भी देख सकते थे। हाँ जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का कोई भी कार्बन हो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp2 के कंपैरिजन में, sp3 के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखें
तो ये आता है sp2 sp3। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में अगर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो sp का सबसे ज्यादा, sp2 का उससे कम, sp3 का सबसे कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो पुल कौन करेगा सबसे ज्यादा, है ना। तो गार्गी क्या कह रही है कि अभी हम लोगों ने बात करी है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी माइनस आई ग्रुप से रिलेट करेगी, मतलब जिसका माइनस आई ग्रुप ज्यादा होगा इफेक्ट, उसकी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो गार्गी ने बोला इस कार्बन पे ये अटैच है, इस कार्बन पे ये वाला अटैच है, इस कार्बन पे ये वाला अटैच है, ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है सबसे ज्यादा, इसकी है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है, इसलिए इस कार्बन आयन को स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ये वाला देगा। ठीक है, इस तरीके से सोचा, दोनों लॉजिक सही है, क्लियर है। सेकंड वाला लॉजिक समझ आया, माइनस आई ग्रुप की कैटेगरी हम क्योंकि पढ़ रहे थे तो इसको हमने किससे रिलेट किया, माइनस आई ग्रुप से रिलेट किया। यानी कि आप ये भी लिख सकते हो माइनस आई ग्रुप टेंडेंसी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं लेकिन बहुत काम आते हैं जगह जगह पे। ऑर्गेनिक क्या है, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, छोटी छोटी डॉट्स को मिलाने का बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है। छोटी छोटी डॉट्स को मिला करके हम लोग क्या करेंगे, बड़ी सी पिक्चर तैयार करेंगे जो किसमें किस फॉर्मेट में आनी चाहिए, अच्छे रिजल्ट के फॉर्मेट, है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते बहुत सारे बच्चों को नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते, तो वो भी एक बड़ा एस्पेक्ट है ऑर्गेनिक का। ठीक है, कई बार बच्चे बोलते हैं मैम टॉपिक हमें आता है, टॉपिक हमने पढ़ लिया, तो क्वेश्चन करने बैठते हैं गलत ऑप्शन निकलता है हमसे, जो सोच रहे होते नहीं होता होगा, कभी कभी वही आंसर आ जाता है। तो ये सब क्या है, अगर छोटे छोटे पॉइंट सारे आपके पता होंगे और सब दिमाग में बैठे हुए होंगे तब जाके काम बनेगा। हाँ गार्गी कुछ कह रहे हो, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। जो तौशिक ने ये बात सबसे पहले बोली थी, जिसके पास ज्यादा बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल बनाएगा, है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट हो गया, सबकी बात क्या हो गई सही हो गई, तुम लोग की गलत हो गई। अच्छा ओके, अभी देखो इसमें दो तीन और हैं वो, लेकिन उसको हम लोग करेंगे अभी, लेकिन बाद में करेंगे, मतलब एप्लीकेशन दो तीन और इम्पोर्टेंट है जिनको हम करें तो करते रहे, हाँ आगे करेंगे। अब अगले इफेक्ट पे चलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। करेंगे उनको भी, टेंशन मत करिए, ऑर्गेनिक करेंगे तो दुनिया की चीजें आएंगी अभी। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए टेम्परेरी इफेक्ट। जब अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब ये इफेक्ट क्रिएट होगा मॉलिक्यूल में। इट अराइजेस इंस्टेंट बोलते हैं ना, इंस्टेंटली इन मॉलिक्यूल व्हेन अटैकिंग रिएजेंट
इज कमिंग। इंग्लिश आपको पता ही है मेरी बहुत अच्छी है, तो अपने हिसाब से सही सेंटेंस फ्रेम करके लिखिए। अटैकिंग रिएजेंट जब आएगा मॉलिक्यूल पे अटैक करने, उस टाइम पे ही ये क्या होगा, वर्क करेगा। और अगर अटैकिंग रिएजेंट आप हटा लोगे तो ये इफेक्ट मॉलिक्यूल में नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, टेम्परेरी व्यवस्था है ये। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए इसमें। मल्टीपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई मल्टीपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इफेक्ट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इफेक्ट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस इफेक्ट मतलब कहां पे देखना है आपको, जहां पे आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे, है ना। जहां पे पाई बॉन्ड, सिग्मा तो हर जगह होता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो भी सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड होगा तो भी वहां सिग्मा होगा, पाई ट्रिपल होगा तो भी वहां सिग्मा होगा। जब आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे तो वहां पे चांसेस होते हैं इसके। कैसे हाई इफेक्ट, देखो ध्यान से, पहले एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मान लो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, कोई कंपाउंड है ना। अब मान लो इसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट आया, सपोज सी एन माइनस आया, ठीक। सी एन माइनस कैसा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा। पक्का सी एन माइनस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक। मान लो इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपैरिजन, तो ये जो बॉन्ड का ये इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा इसकी प्रेजेंस में जब ये आएगा तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। शिफ्टिंग का मतलब है एक के पास दूसरे से अवे, जिससे अवे उस पे पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास उस पे नेगेटिव चार्ज। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, डेवलप होने वाला। क्लियर है बात इतनी, है ना। अगर डेल भी ना लिखें तो भी चलेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर कर रहे हो तो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो। ये बन गया सिस्टम। अब CN- अटैक करने आया तो CN- किस पे अटैच होगा, माइनस चीज किस पे अटैच होगी, पॉजिटिव सेंटर पे। तो इस पे कौन अटैच हो जाएगा अगले स्टेप में, यहाँ पे CN अटैच हो गया और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा ही रहेगा। क्लियर है बात। अब दूसरी सिचुएशन भी हो सकती थी, दूसरी क्या हो सकती थी, अगर हम लोग ले आए इसी में, अगर आप अटैक करा दो H प्लस का, तो H प्लस क्या है आपका, सी एन माइनस क्या था, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसकी प्रेजेंस में भी क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी, तो वही सेम चीज, इस पे माइनस इस पे प्लस। तो अब H प्लस किस पे आके, इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो माइनस सेंटर होगा उस पे जाके अटैच होगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, इस पे कौन आके अटैच हो जाएगा, H।
नोट कर लीजिए। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। नीचे लिख लो, ऊपर लिख लो, जहां जाएगा प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जो इसकी प्रीवियस वाली कंडीशन थी उसको क्या बोलते हैं, ये वाली कंडीशन, इसको बोलेंगे माइनस ई। अब ध्यान से देखो, अगर ये माइनस ई वाले को देखो तो अटैकिंग रिएजेंट किस पे अटैच हुआ है जा करके, यहाँ पे प्लस वाले पे, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गया था, जिस सेंटर से इलेक्ट्रॉन दूर गया था उस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हुआ है ना। और दूसरे केस को अगर देखो तो अटैकिंग रिएजेंट किस पे, एच किस पे अटैच हुआ है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया था, जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन आया था, है ना। तो प्लस ई और माइनस ई की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लस ई इफेक्ट में लिख सकते हैं अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू अ सेंटर, किस सेंटर पे अटैच हुआ, जिसके पास आया था ना इलेक्ट्रॉन। अब इसको लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे, टू अ सेंटर वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, ऐसे लिख दो, वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। जिस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी थी उस पे जाकर के अटैकिंग रिएजेंट इंक्रीज, वो अटैच हुआ। और ई वाले में क्या लिख सकते हैं, माइनस आई वाले में, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई थी, लिख लो। ये था आपका प्लस ई, दूसरे में लिख लो माइनस ई। हाँ 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 ये लिखवा दिया था पॉइंट, दिस इफेक्ट इज डिसअपियर व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव्ड। लिखने की जरूरत नहीं है ना, अगर अंडरस्टूड है तो कोई दिक्कत नहीं। अटैकिंग रिएजेंट हटा देंगे तो इफेक्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसीलिए नाम क्या दिया है, टेम्परेरी। क्लियर है, चलो भैया। अब देखो जैसे एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं इसका, एक एक तो कर ही लिया, मान लो ऐसे ये है एल्कीन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे मान लो इस पे आ गया कोई सी एन माइनस ही ले लेते हैं, ये अटैच है, ठीक। तो इधर प्लस आई ग्रुप है, तो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, धक्का देगा तो इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इधर, ठीक। अगर ये इधर जाएगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस। अब सी एन माइनस किस पे आके अटैच हो जाएगा, पे
और ये कैसे रहेगा आपका? कोई दिक्कत में ध्यान, क्या समस्या है बोलो ना, तुम लोग हंसे हंसे जा रहे हो। टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ बिना मतलब में हंस रहे हो तो टाइम काफी। मां हाँ जी जो सीएच3 है वो प्लस आई लगा रहे हैं। हाँ, प्लस आई इधर से लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती थी, अगर यहाँ पे एच प्लस दे दो, क्या दे दो, एच प्लस, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। कैसे? अब कहाँ पे अटैच होगा ये पॉजिटिव चार्ज, बना रहेगा, डायरेक्ट लिख दिया है, लिख लीजिए। स्टार बनाइए और पॉइंट लिखिए। अगर दोनों इफेक्ट काम कर रहे हो, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों आपको दिखाई दे रहे हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमिनेट करेगा। इंडक्टिव को भूल जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा, डोमिनेट करेगा। इफ ई इफेक्ट एंड आई इफेक्ट बोथ आर इन मॉलिक्यूल तो क्या होगा, कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करने वाला है? ई इफेक्ट डोमिनेट्स। कोई दिक्कत? इंडक्टिव पढ़ लिया हमने, और क्या पढ़ा आज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ लिया है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इतना ही था। अब इसमें एग्जांपल जितने भी आ जाएं, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे। अब अगले इफेक्ट पे आए, जो सबसे बड़ा इफेक्ट है रेजोनेंस और मेसोमैरिक इफेक्ट, उसको छोड़ दे रहे हैं। पहले किसको पढ़ाते हैं, तीसरा वाला जो इफेक्ट है, जो छोटा है, उसको आज करा देते हैं। ठीक है, अभी टाइम है आपके पास, टेंशन वाली कोई बात ना, बस होएगी अभी, बस 15 मिनट में हो जाएगा। इतना ही तो बोला था आपको, चलो। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा रेजोनेंस तो पढ़ाया ही आपको, थोड़ा रेजोनेंस का आइडिया है ना, बहुत है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एच इफेक्ट, बेकर साइंटिस्ट का नाम है, एंड नाथन इफेक्ट, नीथन नाथन जो भी नाम था इनका। पढ़ा है आपने? अच्छा, उसकी बेसिस पे कह रहे हो तुम लोग। नोट कर लिया?
अभी आ रही है पक्का? लिखो डेफिनेशन लिख लो पहले, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू फ्रॉम फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एडजेसेंट अनफिल्ड ऑर्बिटल टू एडजेसेंट अनफिल्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। मोटी मोटी बात आपको क्या समझ में आई? कोई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसका इलेक्ट्रॉन अगर एडजेसेंट में खाली ऑर्बिटल के पास चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, कंजुगेशन बेसिकली बोलते हैं रेजोनेंस को, और इसको हमने क्या बोला? हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे हम देखेंगे ये हाइपर कंजुगेशन? भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी इफेक्ट उठा के कहीं पे भी लगाने लगे। अभी जैसे एक स्टार बना के पॉइंट लिखवाया था, अगर आपको किसी मॉलिक्यूल में लगता है इलेक्ट्रोमेरिक भी है और इंडक्टिव भी है तो कौन डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोमेरिक, यानी पाई बॉन्ड अगर आ गया तो ज्यादा सिचुएशन है कि कौन से इफेक्ट की बात करेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक की बात करेंगे। कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, जैसे इंडक्टिव में आपको क्या बताया था कि केवल कहां पे हो सकता है? सिंगल बॉन्ड वाले में ना। पहली कंडीशन लिख लीजिए हाइपर कंजुगेशन की, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिड कार्बन, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट वन sp2 हाइब्रिड कार्बन, एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2, अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू sp2 शुड बी sp3। मतलब आपकी बात हुई, सबसे पहली कंडीशन थी एक sp2 कार्बन होना चाहिए, sp2 कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलोगे, वो अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, अल्फा कार्बन शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, ज्यादा हो तो और खुशी की बात है लेकिन एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, हाइड्रोजन ही काम आएगा यहाँ पे बेसिकली। अल्फा कार्बन शुड हैव एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ठीक है, नोट हो गई तीनों कंडीशन, अब देखा जाए हाइपर कंजुगेशन। चलो ऑनलाइन बच्चों नोट हो गया? साक्षी भूख लगी है? भूख लगी है? चेहरे पे लग रहा है तुम्हारे। पहले नोट मत करना, पहले देख लो, समझ लो, ध्यान से देखो। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज।
तो पहली कंडीशन है sp2 हाइब्रिडाइज दिख गया, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलोगे, उस पे सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो दैट इज sp3। sp2 के बगल में sp3 भी दिख गया, ठीक है, और sp3 जो अल्फा कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए यहाँ पे, तो हमारी क्या हो गई, पार्टी हो गई, तीन तीन हाइड्रोजन है। क्लियर है बात इतनी? अब देखो हाइपर कंजुगेशन हम लोग देखेंगे कैसे, क्या करने वाले हैं इसमें। इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो अल्फा वाला हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये एच प्लस के फॉर्मेट में निकलता नहीं है, बाहर नहीं जाता है, ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इधर की तरफ आते हैं। यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर किधर की तरफ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और सिचुएशन कैसी होगी बनाना नहीं अभी, ये एच ऐसे ही है, ये एच यहाँ पे आ जाएगा, ये एच प्लस बाहर नहीं जाता है, मॉलिक्यूल के पास ही अटैच रहता है, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया, देख पा रहे हैं? और ये एच प्लस, यही खास बात है रेजोनेंस की, जब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की, जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल में से कुछ टूट फूट के बाहर नहीं जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन केवल घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, एक प्लेस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से रेजोनेंस में। तो रेजोनेंस और कंजुगेशन एक ही बात होती है मोर और लेस, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एक वर्ड हमने उसके साथ क्या लगा दिया, हाइपर। हाइपर का मतलब है कि यहाँ पे ये जो एच प्लस है ना ये बाहर नहीं जाएगा, ये क्या यहीं पे अटैच है, तो ये एक तरीके का कॉन्जुगेशन है, एक तरीके का रेजोनेंस भी कह सकते हैं इसको, है ना, रेजोनेट विद ईच अदर। ये डबल बॉन्ड का जो ये पूरी स्पीसीज है ये एक साथ ही रहेगी, ये एच प्लस यहाँ से भागता नहीं है, यहीं पे रहता है। क्लियर है बात इतनी? अब इस मॉलिक्यूल को अगर देखो तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इस कार्बन को भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया, बस साइड चेंज हुई, इसके साथ शेयर्ड था, अब किसके साथ शेयर्ड हो गया, इसके साथ हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये क्योंकि इधर आ गया तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए, तो हाइड्रोजन किस फॉर्मेट में आ गया, एच प्लस फॉर्मेट में आ गया, लेकिन ये एच प्लस अलग नहीं होता, इसके साथ ही रहता है। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि ये वाला एच प्लस अब अटैच हो गया, ये वाला एच प्लस अब अटैच हो गया, अब यही सिचुएशन किसके साथ हो गई, इधर वाले अल्फा के साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, ये मॉलिक्यूल ऐसे, ये हम क्या बना रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन दिखाते हुए हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। तीसरा बन जाएगा, ये एच अटैच है, ये एच अटैच है, अब यहाँ पे क्या बन गया, एच प्लस, ठीक है। कोई ये भी सोच सकता है बहुत फालतू की चीज है, क्या है या इधर से इधर करे पड़े हैं, ठीक है, अब इसका यूज होगा तो बताएंगे। हाँ रेजोनेंस, और इसमें क्या डिफरेंस है, रेजोनेंस में ऐसे अलग नहीं होता है एटम का भी, हाँ है साथ में ही, रेजोनेंस का मतलब होता है उसके साथ मैचिंग करना, हाँ साथ में रहना, रेजोनेंस में ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं और दूसरी जगह कोई और एंटाइटी बैठी है और दोनों लोग रेजोनेट कर रहे हैं, रेजोनेंस का मतलब दोनों क्या होंगे, साथ में ही होंगे, है ना, आपस में इंटरचेंज किसी चीज का हो रहा है। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हाइपर कंजुगेशन क्यों बोला, हाइपर वर्ड इसलिए बोला क्योंकि थोड़ी सी अलग सी हाइपर सी चीज तो दिख ही रही है ना, दिख रही है ना, अब एच प्लस है तो एच प्लस हट भी सकता है, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हम क्या बताते हैं कि एच प्लस इसकी पेरीफेरी में ही रहता है, यही घूमता रहेगा आसपास, और फिर थोड़ी देर बाद फिर अटैच हो जाएगा, फिर इधर वाला एच प्लस फिर अटैच हो जाएगा, फिर कभी देखोगे तो ये, कभी देखोगे तो ये, कभी देखोगे तो ये, ठीक है जी। तो लिखिए ये फर्स्ट क्या, हाँ अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है इसमें,
नहीं नहीं मास से रिलेटेड नहीं है। तो इसके अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हम बोले ना, एच स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर में कितने बनेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम बोलते हैं कि जितने अल्फा हाइड्रोजन हो ना उसमें प्लस वन, इसको भी काउंट करते हैं, है ना, इसको भी काउंट करते हैं हम। इसको फोर नंबर दे रहे हैं, अगर लिखा ना हो तो इसको 1 2 3 4 ऐसे देना, चार हो जाएंगे। मतलब जिसमें डबल बॉन्ड वो वाली पहली वाली पोजीशन है उसको भी लेते हैं ना रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसको भी लेंगे, तो टोटल कितने हो गए, चार। तीन अल्फा एस थे तो तीन ये स्ट्रक्चर बनेगा, एक ओरिजिनल वाला है तो कितने हो गए, चार है। पर अभी बनाएंगे और बनाएंगे, हाँ देखते हैं अभी बताते हैं। और ले एग्जांपल, ये नोट कर लिया बच्चों सबने, मैम को कुछ बोलना है? अच्छा एक पांच हो गए, एक और एग्जांपल कर लो, चलो अगला करो। इसमें कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, पहले हाइपर कंजुगेशन की सिचुएशन देख लेना। देखो कैसे देखेंगे, ये मान लो डबल बॉन्ड है तो ये इधर जाएगा, है ना, ये इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, ऐसा स्पीसीज बन जाएगी अपनी। ये sp2 था, वैसे वैसे भी देख सकते थे sp2, ये sp3, ये sp2, ये क्या हो गया इसके बगल वाला sp3 हो गया। इस sp3 पे देखो, इस कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नो हाइपर कंजुगेशन ना, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, कहानी खत्म है। कौन पांच निकाल दिया था, साइड वाले से कैसे कराओगे, हाँ? जो के पास हाइड्रोजन है ना, तो इसी ओरिजिनल इसी को लोगे तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है बगल वाला भी। अब इस स्ट्रक्चर में ये तुम्हें sp3 दिख रहा है ना, पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर अपना क्या था, ये था, ओरिजिनल से देखना है।
हाँ हो गया पक्का। देखो 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 देखो, तुमको सोचना कहाँ से है? यहां से, इससे नहीं सोचना है। कहाँ से सोचना है? इससे ही सोचना है। इस पे मत जाओ, इस पे जा रहे हो तो इससे कंफ्यूज हो रहा है। आज की क्लास हो गई आपकी, और अब करा देंगे नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा एच इफेक्ट को।